पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर का दिन है जो कि मतदान उत्सव है। मैं इस संबंध में क्षेत्र की जनता से पहले अपना परिचय के साथ अपील करूंगा। मैं रूप चंद्रा सैनी, नगर निगम से सेवानिवृत्त। मैं हर मतदाता से ये अपील करना चाहता हूं कि वो अपने मत का प्रयोग करें और प्रयोग करते समय इसका चुनाव जरूर कर लें कि हमारे क्षेत्र का विकास करने में कौन सा नेता सक्षम है, कौन सा उम्मीदवार सक्षम है, कौन सा प्रत्याशी सक्षम है। इसी वार्ड 29 से भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पुत्र राहुल देव वरुण को प्रत्याशी बनाकर पूरे भरोसे से मैदान में उतारा है वार्ड 29 की जनता के लिए, ताकि वो सेवा कर सके। और इससे पूर्व भी दो बार हमारे परिवार से मेरी पत्नी वार्ड 29 से चुनाव जीत चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे परिवार के ऊपर कि इस बार मेरे पुत्र को ये अवसर प्रदान किया गया है। मेरा पुत्र कंधे से कंधा मिलाकर मेरी पत्नी यानी कि अपनी मम्मी माया सैनी के साथ में विकास कार्यों में लगातार निरंतर कार्यरत रहा है और विकास कराए हैं। अब चूँकि मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है तो वार्ड 29 भी उसमें सम्मिलित है, जिसके कि सौंदर्यकरण के लिए काफ़ी प्रयास करने के बाद हम लोगों ने लाइटिंग की व्यवस्था है, मॉडल सड़कें हैं, पार्क हैं, पेयजल की सुविधा है और सबसे महत्वपूर्ण जो साफ़ सफाई की सुविधा है, इसमें अभाव है कर्मचारियों का। उस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते हुए क्षेत्र के वार्ड 29 की सभी गलियों, मोहल्लों और मुख्य मार्गों पर सफाई की विशेष व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है और इस तरफ हमें अवश्य ध्यान देना होगा और हम पूरी तरह से सजग हैं कि क्षेत्र की साफ सफाई निरंतर होती रहे। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः फिर अपील करूंगा सभी क्षेत्र के मतदाताओं से कि वो मेरे पुत्र राहुल देव वरुण को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के सामने वाला बटन दबाकर सफल बनाएं। और मैं वादा करता हूं आप सभी से कि वो आपके साथ, आपके बीच रहकर आपकी समस्याओं का पूर्णतः निवारण करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।